ताकि दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करूंगी दोस्तों जगत मनमोहिनी तिलक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा तिलक जिसके प्रयोग मात्र से आप अपने प्यार को ही नहीं जगत को भी मोहित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों में ग्रंथों में किसी को भी सम्मोहित करने या उसे अपने वश में करने के कई एक उपाय उपलब्ध हैं, जिससे पत्थर दिल इंसान को भी बड़े आसानी से सम्मोहित किया जा सकता है। अपने इच्छा अनुकूल उनसे बात मनवाई जा सकती है। तो सम्मोहन किसी के भी मन को मोह लेने वाला वैज्ञानिक क्रिया है। इस विधि का प्रयोग करके दोस्तों आप जिसके सामने जाएंगे या जिस जहां से आप गुजरेंगे, लोग आपके सम्मोहन के अधीन हो जाएंगे। लोग आपकी बात मानेंगे, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, प्रेमिका हो, प्रेमी हो, नौकर हो, मालिक हो, दुकानदार हो, कोई भी हो, आपके से प्रभावित हुए बगैर वो रह ही नहीं सकता। तो कैसे लगाना है वो तिलक, कौन सा है तिलक, क्या सामग्री उसमें चाहिए, वो सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं हमेशा अपने चैनल पर लाती हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। छोटे छोटे उपाय बड़ी बड़ी खुशियाँ लाती हैं। दोस्तों आम तौर पर आपने देखा होगा, जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर हावी हो जाता है। कारण यह है कि उस समय किसी एक का ऑरा दूसरे पर ज्यादा प्रभावित करता है उसे। वहीं अगर आप अपने आज्ञा चक्र पर तिलक लगाकर दूसरे से बात करते हैं तो वो दूसरे को प्रभावित करता है। कि मस्तक पे आज्ञा चक्र का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये एक गुप्त विधि है जिसे मैं आपको बता रही हूँ। आपके माथे पर जो आज्ञा चक्र होता है उस पर अगर आपने जो मैं बता रही हूँ वो तिलक लगाया तो आप ये मान कर चलिए कि आपकी जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। जिससे भी मिलने जा रहे हैं आप, तिलक लगाकर सामने जाएं, किसी के भी तरह का कोई समस्या नहीं आएगा। चाहे वो विवाह में आ रही बाधा हो या लड़के लड़की प्रेम संबंध में है, कोई समस्या उसमें उत्पन्न हो गई है, तो दुश्मन हो दुश्मनी भूल जाएगा, व्यवसाय है तो व्यवसाय बहुत तेजी से चलने लगेगा, पुरुष है तो महिला और महिला है तो पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। सामग्री क्या चाहिए आपको दोस्तों? आपको सामग्री चाहिए, आप किसी भी शनिवार को जाकर मदार के पौधे का जर ले आए, उसे छाया में सुखा लें और सुखा कर पीस कर पाउडर बना लें। याद रहे दोस्तों, मदार के पौधे के जड़ को पहले अच्छे से गंगा जल से धो लें, साफ सुथरा करके तब उसे सुखाएं, और उसके बाद उसे आप घी में मिला के, शुद्ध देसी घी में मिलाकर इसका तिलक लगाएं। ये तिलक बहुत ही प्रभावशाली है, इससे बहुत विशेष वशीकरण होता है और इसके प्रयोग से आप जिससे भी इसका तिलक लगाकर जिससे भी बात करेंगे वो आपके वश में होगा, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बस ध्यान रहे कि जब आप इसे तिलक को लगाने जाएं तो मन में यही बातें आपके चले कि जिसके लिए आप ये तिलक लगा रहे हैं वो इंसान आपके वश में आ चुका है और आपकी बात मान रहा है। निगेटिव बातें अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो ये फलित नहीं होगा। आप पॉजिटिव सोचें कि वो इंसान आपकी बात मान रहा है, और ये तिलक रोज लगाएं आप। जबरदस्त असर करेगा दोस्तों, हमेशा आपके ऑपोजिट जो भी खड़ा होगा वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। बस याद रखना है कि अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच को ही महत्व देना है। ये प्रयोग बिजली की तरह काम करता है दोस्तों। आप अभी से पॉजिटिव सोचने का आदत डाल दीजिए, आप देखिए आप कामयाब हो जाइएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक